Hello everyone, welcome to my channel, it's time to study. Hello students, welcome back to our chapter, Dissolution of Partnership Firm. Last lecture, we studied the pro forma of realization account. Today, we are going to study the other pro in the chapter, Dissolution of Partnership Firm. Today, we are going to study the pro forma of different accounts in dissolution. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट अकाउंट कैश इसके पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोफामा देखा नो टूडे वी आर मोइंग टूअर्स फर्स्ट कैश एंड पार्टनर्स लोन सो जो कैश का जो अकाउंट होता है उसका असेट साइड होता है कैश सो अगर कैश असेट्स में होगा तो उसको डेबिट बैलेंस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश के डेबिट में हमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है उसके साथ अगर कोई असेट सोल्ड होता है सो so एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में इफेक्ट जाता है सो so कैश के डेबिट में बिकॉज कैश कम्स इन। उसके बाद अगर कोई हम लाइबिलिटी पे करते हैं तो कैश के क्रेडिट में जाता है तो कैश के क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी पेड जो भी पार्टनर्स का जो लोन होता है वो लोन का भी बैलेंस हम क्रेडिट में भेजते हैं बिकॉज वो लाइबिलिटी में होता है सो लोन अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है एंड वॉट एवर इज द बैलेंस दैट वी हाउ टू पे सो लोन के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश बैंक मतलब पेमेंट ऑफ लोन और वही इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय पार्टनर लोन अकाउंट एंड वॉट एवर इज द अमाउंट पेड दैट वी हाउ टू ट्रांसफर सो एंट्री विल बी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक उसके बाद लोन तो क्लोज हो गया लोन पे हो गया बैंक अकाउंट में जो करंट अकाउंट होता है उससे एक बैलेंस आता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट उसमें से जो भी बैलेंस है वो बैंक में जाएगा बैंक में ट्रांसफर होगा इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट सो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है सो so वो हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं और फिर बैंक टैली होता है कैश बैंक अकाउंट टैली होता है सो दिस इज अवर कैश बैंक एंड पार्टनर्स लोन विल मी नेक्स्ट विल मूव टूअर्स फिक्स कैपिटल मैथड इज फॉलोड सो हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में देखते हैं अगर फिक्स कैपिटल मैथड होगा तो करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा सो so, वॉटर हम लोग जो भी एडजस्टमेंट्स करेंगे सब करंट अकाउंट में करना है तो सबसे पहला करंट अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर करना है सो करंट अकाउंट में अगर असेट्स में बैलेंस आया तो डेबिट में हमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है अगर लाइबिलिटी साइड बैलेंस आया तो हमें करंट अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस लिखना है फिर उसके बाद जो भी जनरल रिजर्व एंड ऑल लाइबिलिटी में होता है उसको क्रेडिट में भेजना है प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी में दिया हुआ तो भी क्रेडिट में भेजना है या कोई पार्टनर ने लाइबिलिटी पे किया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अगर कोई पार्टनर ने असेट लिया है तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट और जो भी करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस फिर हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में अगर डेबिट में आया तो टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट में आया तो

अगर क्रेडिट में आया तो बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट में बैलेंस आया तो टू कैश बैंक तो ये कौन सा मेथड हुआ फिक्स कैपिटल इन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इन दैट केस ओनली आपको कौन सा अकाउंट बनाना है ओनली टू प्रिपेयर कैपिटल इन फिक्स कैपिटल मेथड करंट अकाउंट विल बी गिवन इन योर बैलेंस शीट लाइबिलिटी और असेट साइड ट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथर करंट अकाउंट इज नॉट प्रेजेंट ओनली वी हाउव टू प्रीपेयर कैपिटल सो सेम जैसा हमने करंट बनाया वैसे ही सेम कैपिटल में इफेक्ट देना अब सब इफेक्ट कैपिटल में होगा बिकॉज हमने करंट नहीं बनाया बिकॉज करंट नहीं है क्वेश्चन में सो सेम रूल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखने का तीन पार्टनर है एग्जाम्पल एबीसी प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी में होगा तो क्रेडिट में जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में हुआ क्रेडिट साइड वी हाउव टू ट्रांसफर फिर लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड उसके बाद साइड में अगर होगा प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर के डेबिट साइड किसी पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के डेबिट साइड एंड फाइनली फिर कैपिटल अकाउंट बंद होगा पार्टनर के डेबिट में टू कैश बैंक आएगा अगर पेमेंट है तो फिर क्रेडिट में भी आ सकता है बाय कैश बैंक सो रिसीव होगा तो सो so, आपको देखना है पार्टनर को कौन सा बैलेंस है अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा आई तो डेबिट में लिखने का टू कैश बैंक और डेबिट की टोटल ज्यादा आई तो क्रेडिट में तो इस तरह से हमें लेज़र बनाना है सो टुडे वी स्टडीड अबाउट कैश पार्टनर्स लोन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। सो नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टू अस और प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आई होप आपने कंप्लीट कर दिया होगा आपकी नोटबुक में मैंने आपको पहले ही बोला था राइट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू